नमस्कार, आप देख रहे हैं अंतरिक्षक न्यूज़। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है शिक्षा मित्रों से संबंधित। साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, कल 20 फरवरी को शिक्षा मित्रों ने शिक्षा मित्र सम्मेलन लखनऊ में बड़ा आयोजन किया, जिसमें कुछ मुख्य बिंदु निकल कर सामने आए हैं। क्या है वो लेटेस्ट जानकारी, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से विस्तारपूर्वक देंगे। रिक्वेस्ट है, आप वीडियो के अंत तक बने रहें। शिक्षा मित्रों ने लखनऊ में भरी हुंकार, सहायक अध्यापक या समान वेतन दे सरकार। रमाबाई अम्बेडकर मैदान में पहुंचे हजारों लाखों शिक्षा मित्र। शिक्षा मित्रों की ये मांगे रही, नियमावली में संशोधन किया जाए, समायोजन प्रक्रिया पूर्ण होने तक 12 का मानदेय और 62 वर्ष की सेवा की जाए, सहायक अध्यापक या फिर समान वेतन दिए जाएं, नई शिक्षा नीति में शिक्षा मित्रों को भी शामिल किया जाए, मूल विद्यालय से वंचित शिक्षा मित्रों को वापस लिया जाए, ये प्रमुख मांगे रही हैं। कल रमाबाई अंबेडकर मैदान में प्रदेश के शिक्षा मित्रों का जन सैलाब उमड़ पड़ा, हुंकार भरी और साथ ही संकेत दिया कि हम सरकार के साथ हैं, सरकार की हर नीति को हम मंजूर करते हैं। बस निवेदन है तो माननीय योगी महाराज हमारे भविष्य को सुरक्षित करने का कार्य करें, हम हर तरह से सरकार के साथ हैं। तो साथियों, जैसा कि आप जानते ही हैं, कर्मचारी सभी के होते हैं, विशेष किसी सरकार के नहीं होते हैं, जो कि एक गलत धारणा बना ली गई है। आप देख सकते हैं इस भीड़ को, हमारे सहयोगियों के माध्यम से ये वीडियो प्राप्त हुआ है। लाखों की संख्या में शिक्षा मित्र पहुँचे हैं, कुछ तो ऐसे हैं जो 60 की उम्र भी पूरा कर चुके हैं, महिलाएं, बुज़ुर्ग और युवा सभी यहाँ पर अपनी माँओं को लेकर इस महासम्मेलन में सत्य के इस हुजूम में पहुँचे हैं। साथियों, क्या कहा कौशल किशोर जी ने, अगले वीडियो में देखने के लिए बने रही हमारे साथ अंतरिक्षक न्यूज़ पर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।